अब हम लोग बात करने वाले हैं चार्जिंग के एक ऐसे तरीके के बारे में जिसमें हमको छूने तक की जरूरत नहीं है, जिसको बोला जाता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी तरीकों को देखा था उसमें क्या होता था, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास रॉड को लेके मैं वूलन सिल्क क्लॉथ में अगर रब कर रहा हूं तो ग्लास रॉड से आपका इलेक्ट्रॉन्स जम करके वूलन सिल्क क्लॉथ में चले जाते थे, सिल्क क्लॉथ में चले जाते थे, जिससे क्या होता था, सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो जाती थी, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था। इस टाइप के चार्जिंग प्रोसेस को कहा जाता था चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। बट हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्टैक्ट करके ही क्या करना है, चार्जिंग करना है। बचपन में हम एक गेम खेला करते थे, अगर आपको याद होगा, कि जो प्लास्टिक का स्केल आता था या कॉम आता था, उस कॉम को हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से अपने हेयर्स में रब करते थे। रब करने के बाद नीचे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को टियर करके रख देते थे और उसको जब पास में लेके जाते थे तो हमको टच करने की जरूरत नहीं होती थी, वो पेपर्स अट्रैक्ट होके उस स्केल में आके स्टिक हो जाते थे। तो आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या यहाँ पे वो जो स्टिकिंग प्रोसेस में कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है? नहीं, वो तो आप दूर से ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलरली पेजेस में, टीयर्ड पेजेस में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके कारण वो अट्रैक्ट होके स्केल या कॉम में आके चिपक रहे हैं। वो जो प्रोसेस इनके बीच में हो रहा था उसी को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में, कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर बाय विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब हमको क्या करना है कि एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके जाना है और बिना टच कराए क्या होगा कि जो सामने न्यूट्रल बॉडी थी वो भी चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी और उन दोनों के बीच में क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, सामने वाली बॉडी चार्ज हो जाएगी। इसी प्रोसेस को बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया कॉम वाला, जो आप लोग बचपन में बहुत इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए हैं और आप लोग हमेशा सोचते थे कि ऐसा क्यों होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्यों होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखेंगे चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन के थ्रू। हम लोग ये देखेंगे कि कैसे दो स्फीयर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं बिना टच करवाए। तो मैंने क्या किया इस प्रोसेस के लिए, मैंने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिया। उस अरेंजमेंट में मैंने क्या किया कि दो स्फीयर्स लिया जो कि मेटल स्फीयर्स थे, दो मेटेलिक स्फीयर्स को लिया मैंने और उसको क्या किया, जानबूझ के इंसुलेटेड स्टैंड में रखा ताकि वो अर्थ से कॉन्टेक्ट में मत आए। इंसुलेटेड स्टैंड मतलब इंसुलेटेड है तो क्या होगा कि वो चार्ज को पास नहीं करने देगा, तो इसलिए इंसुलेटेड स्टैंड का यूज किया मैंने। सेकेंड प्रोसेस में क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, एक ग्लास रॉड, और हम लोगों ने देखा था ये ग्लास रॉड जनरली क्या होता है, सिल्क रॉड से रफ करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को एक लेफ्ट वाले स्फीयर के नियर बाई लेके आया। मेरी बात समझ पा रहे हो, ग्लास रॉड को लेफ्ट वाले स्फीयर के नियर बाई लेके आया। तो इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझना कि पहले ये क्या था, यहां पे ब्लैंक था, मैं इसमें करके दिखाऊंगा और ये वाले स्टेज में पहुंचेंगे। ठीक है, जब मैंने क्या किया, ग्लास रॉड को इसके पास लेके आया लेफ्ट वाले स्फीयर का, तो एक बात बताइए, ये क्या था, मेटेलिक स्फीयर था, यानी कि मेटल था, मेटल यानी कि कंडक्टर था, कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पे आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो बोलेंगे ना कि मैं आऊंगा, मतलब वो भागे दौड़े किस तरफ आने की कोशिश करेंगे, एक एंड की तरफ जो कि पॉजिटिवली चार्ज के नियर बाई है। तो जब इलेक्ट्रॉन के इस आने के पर्टिकुलर प्रोसेस में पूरे इलेक्ट्रॉन इधर से इस तरफ आने की कोशिश करेंगे तो क्या इस साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, इधर बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आने लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि एक्सेस चार्ज को दिखाने के लिए निगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, डेफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब चूंकि ये वाला जो स्फीयर है वो इससे जस्ट कांटेक्ट में है तो यहाँ चार्जिंग बाय कांटेक्ट के थ्रू यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। और ये नेगेटिव है इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। जनरली ये वाला जो चार्जेस है ना, ये जो यहाँ पे जो पॉजिटिव दिख रहा है और यहाँ पे जो नेगेटिव दिख रहा है, इसको हम शो नहीं करते हैं क्योंकि एक दूसरे को क्या कर लेता है, नलीफाई कर देता है। सिर्फ एक कॉर्नर में निगेटिव चार्ज रहता है और दूसरे वाले स्फीयर के उस कॉर्नर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब एक बात समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहा है ये प्रोसेस कब तक चलेगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अभी इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बिल्टअप होने लग गया। इलेक्ट्रॉन्स जब आने लग गए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बिल्टअप होने लग गया। अब जब भी नया इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ जो निगेटिव चार्ज था वो क्या करेगा, उसको रिपल करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो, अब और जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, वो निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करने की कोशिश करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के आने का प्रोसेस, यहाँ पे निगेटिव चार्ज के बिल्टअप का प्रोसेस कब तक चलेगा,
तब तक जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रॉड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रॉड एंड स्फीयर इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द निगेटिव चार्ज एंड अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन वाला फोर्स और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और इस पर्टिकुलर निगेटिव चार्ज के बीच के रिपल्सन वाले फोर्स के बराबर ना हो जाए, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन. जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी और चार्ज बिल्टअप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. चार्ज बिल्टअप स्टॉप्स, यहां पे आपका चार्ज बिल्टअप स्टॉप हो गया. तब क्या होगा कि जितना निगेटिव चार्ज यहां पे आना था वो आ चुका, जितना पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड में आना था वो भी आ चुका. ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों स्फीयर अभी कॉन्टेक्ट में थे, फिर स्फीयर्स को थोड़ा दूर दूर कर दूंगा. ठीक है, दूर दूर करने के बाद अभी चार्ज अपने जगह में जो बने हुए थे वो है, ऐसा नहीं कि निगेटिव चार्ज हट गया, ये बना हुआ है, ये भी बना हुआ है. फिर क्या किया, धीरे से मैंने ये चार्ज रॉड को रिमूव कर दिया. जब ऐसे में ये ग्लास रॉड को मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा ना, तो ये वाला चार्ज अपने आप को रीअरेंज करेगा और इस साइड आ जाएगा और ये वाला इस साइड आ जाएगा. अब मैंने क्या किया, ये दोनों जो अपनी इंसुलेटेड स्फीयर्स हैं जो कि स्टैंड्स में लगे हुए दो मेटेलिक स्फीयर्स, इसको और दूर कर दिया. देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम थी, यहाँ पे दूर हो गया. तब क्या होगा कि ये चार्ज पूरे रीअरेंज करके पूरा ये स्फीयर आपका निगेटिवली चार्ज बन जाएगा और ये वाला स्फीयर पूरा पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा. तो हम लोगों ने इस प्रोसेस में क्या किया, बाय इंडक्शन के थ्रू बिना टच करवाए एक न्यूट्रल स्फीयर्स को हम लोगों ने एक को नेगेटिव बना दिया, एक को पॉजिटिव बना दिया. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ही बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि आप लोगों ने ग्लास रॉड को स्फीयर से टच नहीं कराया था. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहां पे बिना टच कराए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.